फिर भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला है कि द रीडिंग ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर इज 700 mm ऑफ Hg व्हेन एक्चुअल प्रेशर इज 750 mm ऑफ Hg। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम ट्रैप्ड इन केस इज 10 cm। 750 आएगा आंसर सर। 750 आएगा, रीडिंग ही 750 और आंसर भी 750 आएगा, ये कैसे पॉसिबल है? अंदर गैस का प्रेशर ही अगर जीरो हो गया तो फॉल्टी गैस का बैरोमीटर। प्रेशर जीरो कैसे हो सकता है? गैस तो है तो उसका तो प्रेशर होगा ही, वो जीरो कैसे हो सकता है? अच्छा फिर 800 ही आना चाहिए। चलिए आप देखो इसने क्या बोला है कि मान लीजिए ऐसा कुछ होगा अरेंजमेंट, ये ऊपर हाइट तक चला गया है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा, वो इस पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? जो एक्चुअल प्रेशर है, व्हेन एक्चुअल प्रेशर इज 750, तो इस पॉइंट पर प्रेशर 750 का लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ 750 प्रेशर किसके इक्वल है? अगर रीडिंग ही 700 की आ रही है, मतलब इसका प्रेशर 700 हुआ होगा, 700 हाइट का प्रेशर होगा, बट इसमें पी गैस का प्रेशर भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी गैस प्लस प्लस पी गैस का प्रेशर, ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलो। हाँ सर। तो जो पी गैस का प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? 50 हाइट का प्रेशर आएगा। हाइट का प्रेशर हमेशा रो जी एच की फॉर्म में मेजर करते हैं, तो रो जी एच जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 mm ऑफ एच जी का प्रेशर आ रहा है ना, ऐसा कुछ है। इस हाइट का प्रेशर इतना है, कितना? 50 mm ऑफ एच जी, मतलब इतनी हाइट है वो, जो गैस का प्रेशर लग रहा है वो 50 mm ऑफ एच जी लग रहा है, ठीक है। चलिए अब इसने बोला है कि जो गैस ट्रैप्ड है कॉलम उसका हाइट कितना है? 10 cm। फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर व्हेन रीडिंग इज 750। अब देखो, नाउ हाइट ऑफ गैस कॉलम, नाउ हाइट ऑफ गैस कॉलम इज इक्वल टू 5 cm, मतलब 50 mm। देखो पहले गैस कॉलम का हाइट कितना था? पहले गैस कॉलम का हाइट ऐसा था, ऐसे समझो इसको कि पहले गैस कॉलम का हाइट कितना था? पहले गैस कॉलम का हाइट था 100 mm, मतलब 10 cm, है ना, 100 mm, ठीक है। उस टाइम तक हमारा जो रीडिंग आ रहा था वो कितना आ रहा था? 700 का। बट अब रीडिंग कितना आ रहा है? 750 का, तो मतलब ये 50 cm ऊपर चला गया होगा, और 50 mm, सॉरी, ऐसा हुआ होगा ना, 50 mm और ऊपर चला गया होगा। तो अब जो गैस कॉलम बचा है उसका हाइट कितना हुआ होगा? नाउ गैस कॉलम का हाइट है 50 mm। इतनी बात क्लियर है? बोलो। हाँ सर। तो पहले जो गैस के मोल्स थे, अभी भी गैस के मोल्स सेम ही हैं, और इसमें क्वेश्चन में ऐसा टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला है? टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मानो, और गैस के अंदर जो मोल्स है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि गैस के अंदर कुछ हुआ नहीं है, मोल्स तो अभी भी कांस्टेंट है, मतलब P1V1 इक्वल टू गैस का प्रेशर P2V2। तो पहले गैस का प्रेशर लग रहा था 50 हाइट का, वॉल्यूम कितना था उसका? लेंथ 10 cm, सेंटीमीटर में ही लिख दो लेंथ, है ना, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब गैस का प्रेशर कितना है मुझे नहीं पता, वॉल्यूम कितना है उसका, हाइट तो है 5 cm, 50 mm मतलब 5, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो यहां से अब प्रेशर कितने हाइट का लग रहा होगा गैस का? ये गैस के ऊपर लगाया है ना, P1V1 इक्वल टू P2V2 किसके ऊपर लगाया है? ऑन गैस ट्रैप्ड। तो अब गैस का प्रेशर कितनी हाइट के इक्वल हो गया है? 100 mm ऑफ Hg का प्रेशर हो गया है गैस का, बताओ। ऐसे हुआ है क्या? तो अब देखो, मेरी बैरोमीटर की रीडिंग आ रही थी 750, इसने बोला फाइंड द एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज 750। तो एक्चुअल प्रेशर कितना हुआ होगा? 750 उसकी रीडिंग, और गैस का प्रेशर 100, तो एक्चुअल प्रेशर कितना है? 850। समझे कि नहीं समझे सर? इसमें सर बाद में 5 cm क्यों लिया है हाइट गैस का, गैस कॉलम का?
क्या? हाँ पहले मतलब 10 सेंटीमीटर था, तो फिर अभी हाइट का गैस कॉलम का 5 सेंटीमीटर क्यों लिया? क्योंकि हाइट कम हो गया ना। देखो ऊपर बैरोमीटर का हाइट तो फिक्स है ना, ये थोड़ी है हाँ बैरोमीटर ऊपर से बढ़ता चला जाएगा। अब पहले रीडिंग 700 की आ रही थी, मतलब इसका हाइट 700 था, अब रीडिंग आ रही है 750 की, तो ये कॉलम ऊपर उठा होगा, तो गैस कॉलम का हाइट तो कम हुआ होगा ना। पहले 100 mm था, मतलब 10 सेंटीमीटर था, तो अब 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा हाँ हाँ बराबर ओके हाँ समझ आया? सर सर चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और हो जाए। हाँ ऐसा लिखता हूं मैं ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द डायामीटर डायमीटर ऑफ अ बबल। हमने देखो अभी तक वो मोल कंजर्वेशन वाला फंडा ही लगाया है हर जगह, मोल को इक्वल किया है। ऑफ अ बबल एट सरफेस ऑफ अ लेक इज 4 mm, ठीक है, एंड एट द बॉटम ऑफ लेक इज 1 mm, है ना। लेक वाटर की लेक है ना, किसी ने कोई ऐसा नहीं मान ले कि मरकरी की लेक है, नहीं वाटर की लेक है। एट एट द बॉटम ऑफ लेक इज 1 mm, और पी एटीएम हमें दे रखा है 1 atm, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, एंड टेम्परेचर ऑफ लेक टेम्परेचर ऑफ ऐसा लिखते हैं, एंड टेम्परेचर ऑफ लेक वाटर एंड एटमॉस्फेयर, गलत लिख रहा हूं मैं, एंड एटमॉस्फेयर इज सेम, ठीक है। देन पता क्या लगाना है, देन फाइंड हाइट या फिर डेप्थ, एक ही बात है, फाइंड डेप्थ ऑफ लेक, लेक का डेप्थ कितना है ये हमें पता लगाना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि सरफेस पर हमारे बबल था हमारे पास एक वाटर बबल, वो 4 mm का था, बॉटम पर जाकर वो बबल 1 mm का हो गया। क्यों? क्योंकि बबल छोटा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, वाटर में वाटर का प्रेशर है ना। तो कितना हमारा डेप्थ होगा लेक का ये हमने पता लगाना है, बताओ। सर हाँ बोलो, 630 आ रहा है, 630 मीटर। आ शायद रॉन्ग है, सभी लोग करो तब तक मैं थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम बना देता हूं कि कैसे कुछ हुआ होगा।
देखो हम लोग क्या बोलेंगे, जो बबल होगा वाटर बबल, वाटर बबल के अंदर क्या होगा, गैस होगा कुछ ना कुछ, तो एयर वगैरह कुछ भी हो सकता है। बोलो। हाँ सर, हाँ सर, तो उसके मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है ना, क्योंकि वाटर बबल के अंदर एयर है, वो एयर ट्रैप्ड कांस्टेंट है उसके मोल, क्योंकि पहले बबल ऊपर था उसको हम नीचे ले आए। ठीक है, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, पहले वाटर बबल पर, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है, पहले वाटर बबल पर प्रेशर किसका लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ किसका, हाइट का प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पहले एटीएम। लग रहा था। अभी हम लोग है ना हाइट के टर्म्स में प्रेशर को लिखेंगे, क्योंकि हमें हाइट ही निकालना है ना, इसलिए। तो 760 mm ऑफ एचजी का प्रेशर लग रहा था। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, मतलब 4 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, बाद में वॉल्यूम हो गया 4/3 π₁ का क्यूब। ठीक है, अब देखो अब प्रेशर कितना है, अब प्रेशर एक तो 760 तो लग ही रहा है, और कितनी हाइट का प्रेशर लग रहा है बताओ। रोजी एच, रोजी रोजी। एच, अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो, रोजी एच। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे को 1 atm प्रेशर को हमने मरकरी की हाइट की टर्म्स में लिख रहे हैं, हम लोग प्रेशर को हम लोग मरकरी की हाइट की टर्म्स में लिख रहे हैं। तो 760 तो मरकरी की हाइट की टर्म्स में हो गया, प्लस एच हाइट का प्रेशर, अगर मरकरी की टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, ρ₁H₁ = ρ₂H₂। मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि वाटर, अगर वाटर की जगह अगर मरकरी में रखूं तो कितनी हाइट फिल करनी पड़ेगी, तो ये वन इसका वाटर का डेंसिटी, एच उसका हाइट 13.6, मरकरी का डेंसिटी, और मरकरी की कितनी हाइट फिल करनी पड़ेगी, तो मरकरी की हाइट फिल करनी पड़ेगी h/13.6। मतलब अगर एच हाइट का वाटर कुछ प्रेशर लगाता है, तो h/13.6 मरकरी होगा, वो भी इतना ही प्रेशर लगाएगा, तो मरकरी के टर्म्स में हाइट कितनी हो गई, h/13.6। इतनी बात समझ आई। हाँ सर, हम लोग मरकरी की टर्म्स में हाइट को लिख रहे हैं, इस बात को मान लो। ठीक है, मरकरी की टर्म्स में हम लोग हाइट को लिख रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो और प्रेशर हम लोग हाइट की टर्म्स में लिख रहे हो, और प्रेशर को हम लोग अगर 760 में ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा मरकरी की टर्म्स में ही ऐड करें, क्योंकि 760 जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मरकरी की टर्म्स में है, ना कि वाटर की टर्म्स में, इसलिए हमारा हाइट क्या होगा, मरकरी की टर्म्स में h/13.6। इसको सॉल्व करो, 760 × 4³ इज इक्वल टू 760 + h/13.6, ऐसा ही आएगा। हाँ सर, फोर डायमीटर था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर उससे डायमीटर सर था क्या? फर्क नहीं पड़ता है सर, वो कट ही हो जाएगा। हाँ सही बात है, वो फर्क नहीं पड़ता, वो कट हो जाएगा, बट हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें हाफ करना ही पड़ेगा, है ना, फर्क तो नहीं पड़ता। अब नीचे वाले वैल्यू सही है ना, ऊपर तो सही लिखना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 760 × 4³ कितना होता है, 64 -760 है ना, × 13.6। तो यहां से एच हाइट आएगा 651168 mm, mm में आएगा हाइट, क्योंकि हमने mm के अंदर ही ऐड किया था इसको, 760 mm था, 760 mm + mm, तो mm में आएगा सब कुछ, तो हाइट कितना होगा, 651.168 मीटर। क्लियर है, बोलो। यस सर, हाँ इसमें अभी मैं प्रेशर को 760 mm ऑफ एचजी की जगह 10^5 न्यूटन पर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके कर लूँ, तो मतलब 1 atmospheric कर प्रेशर है ना, तो उसको 10^5 पास्कल पकड़ के मैं कर लूंगा, तो सिक्स ले थर्टी कर मीटर ले आता है। कर ले कर ले, देख ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बहुत सारे करने के तरीके हैं। P₁V₁ = P₂V₂ है ना, हाँ तेरा पहले बबल पर प्रेशर लग रहा था 1 atm, atm की टर्म्स में मैं बता देता हूँ, वो न्यूटन मीटर में सब में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4/3 π₂³ इज इक्वल टू, अब प्रेशर कितना है बबल पे मुझे नहीं पता, P₂ पूरा का पूरा P₂ मान लिया, यहाँ पर लिख 4/3 π₃²। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके प्रेशर निकाल ले P₂, atm में कितना प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, अब वो हाँ P₂ प्रेशर किसके इक्वल होगा,
एक तो 1 atm प्लस वाटर का प्रेशर, हाँ ठीक है, तो यहां से P2 atm में आएगा तेरा, तो यहां से वाटर का प्रेशर निकाले, वाटर का प्रेशर atm में आ गया, हाँ। अब उस atm वाले प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर ऑफ hg में कन्वर्ट कर ले, या फिर mm ऑफ hg में कन्वर्ट कर ले, या मीटर ऑफ hg में कन्वर्ट कर ले, जिसमें तेरी इच्छा उसमें कन्वर्ट कर ले, कर लिया, अच्छा अच्छा, फिर इसको वो रोज के इक्वल कर दे, ठीक है। बट सबसे सही फंडा जो मैंने बताया है वो है सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे जल्दी आंसर जिससे आएगा, हाई की टर्म्स में प्रेशर को लिखो, क्यों, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ यूनिट सेम लेंगे तो जो भी होगा वो सब कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं जो तुमने पढ़ी है पहले से। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या क्या कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर। तो हम लोग पहले लिख देते हैं सटीक लैंग्वेज में, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ पर मोल्स कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है बॉयल्स के अकॉर्डिंग। या तो बोलते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर हम लोग बोलते हैं P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आती है बात। हाँ सर। अरे एक सेकंड वेट करो, हाँ तो देखो हमने बॉयल्स लॉ के बारे में देखा। अब देखो यहाँ पर ग्राफ तुम्हें डायरेक्ट खुद से ही बनाने हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैं ग्राफ राफ बनाना तो आता होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ किस किस के बीच में ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है ना, एक्स वाई एक्सिस वो लिख के मैं दे देता हूँ, है ना, बना लोगे ग्राफ? हाँ सर। हाँ सर, है ना, बना ही लेने चाहिए, इतने समझदार तो हुई। ये परपेंडिकुलर है सारे, है ना, एक्स और वाई एक्सिस, ये थोड़े मेरे बनने में ऐसे हो गए हैं बट मन से माने इनको परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, पहले बनाना है पी और वन अपॉन वी, ठीक है, पी और वी, पी वी और वी, पी वी और पी, पी और वन अपॉन रूट वी, लॉग पी और लॉग वी, और एक बनाओ क्या, log p और log 1 upon v, बना सकते हो सारे ग्राफ? हाँ सर। बनाओ, दिखाओ कितनी मैथमेटिक्स तुमने आती है। तब तक मैं इनको सही कर लेता हूँ, तुम बनाओ जब तक। जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स है ना सारे मैंने लिख दिए हैं, अब इसके अलावा कुछ आए तो ये बना लिए तो वो भी बना ही लोगे। फर्स्ट भी आता है। फर्स्ट नहीं, सारे बनाओ पहले। सात ग्राफ है, सात के सात ग्राफ बनाने।
थोड़ा सा मैं ना मॉडिफाई कर देता हूँ इनको, मॉडिफाई मतलब जगह चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब वही है। पास पास में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इसमें। हो गया क्या? हाँ सर। चलिए तो बताइए पी आर वन अपॉन वी में कैसा ग्राफ आएगा? वाई इक्वल्स एमएक्स जैसा आएगा। स्ट्रेट लाइन। पी इक्वल्स एमएक्स। हाँ स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजिंग स्लोप से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हाँ। ऐसा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ। ना ओरिजिन से एग्जैक्टली पास नहीं करेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रेशर जीरो होना और वन अपॉन वी का वॉल्यूम जीरो होना, ऐसा ना, तो हम ऐसा बनाएंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। पी और वी में कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा। हाँ सर। चलिए PV और V में कैसा बनेगा? V को पैरेलल लाइन बनेगा, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ऐसा। हाँ किसी को कोई भी ग्राफ में दिक्कत हो तो बता दे कि यार ये मुझे समझ नहीं है। PV और P में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, उस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट था K, मान लिया उस कांस्टेंट को ना, K इज अ कांस्टेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। log हाँ, P माइनस लॉग वन अपॉन वी इज इक्वल टू लॉग के, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अब लास्ट वाले दो ग्राफ बना लेते हैं, बीच वाला छोड़ देता हूँ, लास्ट वाले दो। लॉग वी और लॉग पी में ग्राफ, लॉग पी और लॉग वी में ग्राफ कैसा होगा? सर नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा, लॉग पी लॉग वी, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है सभी को? हाँ सर। चलिए है ना, ग्राफ को मैं थोड़ा सर एक बार ये वाला फिर से समझा सकते हैं, ऐसा क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों आई? किसको समझाना है सर? प्रखर। अरे भैया ऐसे डाउट मत पूछो। लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के। समझ गया, लॉग के तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है समझ गया। वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी से कंपेयर करना, सिंपल है। अब देखो लॉग पी और लॉग वन अपॉन वी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास नहीं करेगा, फर्स्ट वाले जैसा आएगा। ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा सर। हाँ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ऐसा आना चाहिए, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आना चाहिए, ऐसा होगा क्या? हाँ सर। देखो ये जो K है ना, K इज ऑलवेज पॉजिटिव, K इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? K क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर पॉजिटिव वॉल्यूम पॉजिटिव, प्रेशर वॉल्यूम तो पॉजिटिव होते हैं ना, प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, तो इंटरसेप्ट वाला वैल्यू पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही आएगा वाई पर, समझ गए?
अरे ये ग्राफ समझ आ रहे हैं? अब वी पी और वन अपॉन रूट वी में ग्राफ कैसा बनेगा? वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा। y is equal to x square जैसा। देखो मैं ग्राफ बनाने का सबसे सटीक मेथड तुम्हें बताता हूँ कैसे ग्राफ बनाते हैं, है ना। देखो p कहाँ पर है, p y पर है, one upon root v कहाँ पर है, वो x पर है। ऐसा मान लो ग्राफ बनाने का सबसे सटीक मेथड यही है, सबसे सटीक मेथड। p को y मान लो, one upon root v को x मान लो। तो यहाँ से p का वैल्यू तो y आया और v का वैल्यू क्या आया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा बोलो। हाँ सर। और हमारे को क्या पता है, PV is equal to constant K, तो P और V का वैल्यू पुट करो। Y one upon X square equal to K, Y is equal to KX square, Y is equal to KX square का ग्राफ तुम्हें पता है? हाँ सर। पैराबोला ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या? हाँ सर। चलिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ऐसा समझ पा रहे हो तुम, फील ले पा रहे हो, एक्चुअल में ये वाला पैराबोला है ना। हम नेगेटिव पोर्शन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम वगैरह नेगेटिव नहीं होता। सर एक बार सेकंड करो, फोर्थ वाला बताना। हे भगवान भाई, तुम ऐसे रिपीट में आगे ऐसी बात मत करो। सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला बताओ, कौन सा सेकंड वाला? P वर्सेस V वाला, और PV वर्सेस V, और PV वर्सेस XY। XY is equal to constant का ग्राफ पता है कैसा होता है? अगर नहीं पता तो आज से दिमाग में बैठा लो, अगर XY is equal to constant कहीं पर आता है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब x की जगह v है, y की जगह p है, pv इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए उसका ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है। दूसरा कौन सा पूछा, सेकंड के बाद फोर्थ? ये pv, pv और p वाला ग्राफ। हाँ सर। तो फिर थर्ड वाला कैसे समझ आया तेरे को? हाँ सर समझ गया। और फिर उसके बाद कौन सा नहीं आया? मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे को एक ग्राफ दिया है ना, ऐसा, ठीक है। एक ही गैस के लिए हमने तीन अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया, ठीक है। एक ग्राफ पी और वी में ऐसा बनाया, एक ग्राफ पी और वी में ऐसा बनाया, एक ग्राफ पी और वी में ऐसा बनाया, ठीक है। एक ही गैस के लिए थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लीजिए ये प्रोसेस था, टेम्परेचर टी वन हमेशा कांस्टेंट रहा, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, बट थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट था, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट था। एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर पी और वी में तीन ग्राफ बनाए, बट जब जब वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज किया टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो बताना है करेक्ट कौन सा होगा, ए बी सी डी। ए दिया है टी वन, इस क्वेश्चन को करिए। सर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ सर।
हो गया क्या? बोलिए। हाँ सर, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा, बी बी हाँ, बी फॉर बॉय वाला ना। हाँ सर। अच्छा एक्सप्लेन करिए कैसे होगा। सर हम पी की कोई भी एक वाई एक्सिस पे वैल्यू मार्क कर दें और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप वी की तीनों ग्राफ में वैल्यू देखें तो थर्ड में हाईएस्ट रहेगी, तो पीवी की वैल्यू थर्ड ग्राफ में हाईएस्ट होगी और फिर पी इक्वल टू एनआरटी में एनआर कांस्टेंट। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक मेथड क्या है? सबसे सटीक मेथड है कि किसी एक को कांस्टेंट बना दो, किसी एक को कांस्टेंट बना दो, है ना। देखो हमें पता है क्या, पहले तो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। अब एन मेरा कांस्टेंट है, आर मेरा कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर देखो अलग अलग कंडीशन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक बार थ्रू आउट द प्रोसेस T1 टेम्परेचर था, एक बार T2, एक बार T3, तो मुझे पता पड़ गया कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा आएगा टेम्परेचर मेरा उतना ही ज्यादा आएगा। ये चीज पता चल गई, बोलो। हाँ सर। बट मुझे पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन मुझे निकालना है, बट टाइम हमारे प्रोसेस में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे फाइंड आउट करें? तो मैं बोलता हूँ किसी की वैल्यू कॉन्स्टेंट कर दो। सपोज करो किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हो, तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तुम्हारा मन है उसको कर दो, मैं प्रेशर को कर देता हूं। प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया कि भाई इसी प्रेशर के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ करूंगा, तो इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूं, मैंने वॉल्यूम के वैल्यूज देखे। तो देखो इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये आया, इस यहाँ पर वॉल्यूम आया, ये यहाँ पर वॉल्यूम ये आया, तो T1 वाले ग्राफ के लिए वॉल्यूम V1 मान लेता हूँ, T2 वाले ग्राफ के लिए वॉल्यूम V2, T3 वाले ग्राफ के लिए वॉल्यूम V3। अब प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट कर दिया ना, कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पे मैं मान रहा हूँ, तो प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया है नहीं, बट मैंने कर दिया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो वॉल्यूम में अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो V1, V2, V3 में क्या ऑर्डर आएगा, ये वॉल्यूम में ऑर्डर ये आना चाहिए। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज्यादा, तो T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3, समझ गए? चलिए तो ये हमने पढ़ लिया बॉयल्स लॉ। चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, बॉयल्स लॉ के बाद क्या पढ़ते हैं, कौन सा लॉ पढ़े? चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट करना है? प्रेशर। तो हम बोलते हैं फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब गैस के मोल्स कांस्टेंट है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट। अब PV is equal to NRT में प्रेशर और मोल कांस्टेंट हो गए, R कांस्टेंट होता है, तो V is directly proportional to T, मतलब V is equal to कोई कांस्टेंट K into T, K क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं V by T हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, V by T हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। चलिए अब वापस अगेन मैं इसमें कितने ग्राफ देता हूं तुम्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 ग्राफ देता हूं ना बनाने को, ग्राफ बनाने तुम्हें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये फिफ्थ। क्या क्या है एक्स वाई एक्सिस पर वो भी लिख देता हूं। एक बार बनाना है वी और टी के बीच में, वेयर टी इज इन स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन, एक बार बनाना है वी और टी के बीच में। अब टी मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में है, एक बार बनाना है V by T और T के बीच में, एक बार बनाना है क्या बोले log V और log T में, है ना, एक बार बनाना है V और root T में, और क्या दे, और भी बना सकते हैं हम लोग, देखो बहुत सारे हैं,
दो ग्राफ और देता हूँ इस बार, है ना, बना के बताओ मुझे किसके बीच में v और 1/t, और एक बार बनाओ vt और t में। मैथमेटिक्स लगाओ अपनी, कितनी लगा सकते, बना लोगे? हाँ सर बनाओ। हाँ सर देखो मैं यहां पर लिख देता हूँ सारे किस किस के बीच में ग्राफ दिए हैं, वी वी और टी में एक बार दिया, अगेन वी एंड टी में एक बार दिया, वी बाय टी और टी में एक बार दिया, लॉग वी और लॉग टी में। यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा और सभी को एक जगह दिख जाएगा। एक बार वी और रूट टी में है, एक बार वी और वन अपॉइंट टी में है, एक बार वी टी और टी में है ना। ये सारे ग्राफ बना लो, ठीक है, सारे दिख रहे हैं एक ही स्क्रीन पे, बोलो। सर लास्ट वाला कौन सा है? हो गया क्या? बोलो भाई। हाँ सर सारे बना लिए? सर दो मिनट, जल्दी से बनाओ पूरा, एकदम मैथमेटिक्स चेक करेंगे तुम्हारा। अरे हम लोग स्टार्ट। हाँ सर। चलिए तो बताएं पहले वाले में ग्राफ कैसा बनेगा। ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन। हाँ। ऐसा बोलते हैं इसमें ग्राफ। हाँ ठीक है, पर देखो ये एग्जैक्ट ग्राफ है, बट कहीं कहीं पे तुम्हें ग्राफ ऐसे भी देखने को मिल सकता है, तो वहां पर हमें डरना नहीं है कि ओरिजिन से पास कैसे हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, तो ठीक है वो उतना चलता है ना, तो हम लोग ऐसा बनाएंगे ग्राफ।
अरे यार क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा सेकंड वाले में सर, उसमें भी स्ट्रेट लाइन लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ, v इज इक्वल टू k इनटू t होता है, वेयर t इज इन केल्विन है ना, बट हमारे को दे रखा है टेम्परेचर कितना है, हमारे को टेम्परेचर दे रखा है t डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, t प्लस 273 केल्विन ऐसा ही होगा। हाँ सर बोलो। ठीक है यहाँ पर k नहीं लिखता, k से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर पूरा केल्विन लिख देता हूँ। तो अब देखो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस के इंटू 273, ये आया है वॉल्यूम, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा जो ऐसे ये पीछे भी जा सकता है ना, समझ रहे हो, अब इंटरसेप्ट भी दिखेगा, क्लियर है इतना। v by t और t में ग्राफ बनाओगे तो v by t और t में ग्राफ ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। लॉग v और लॉग t में ग्राफ बनाना है, log v इज इक्वल टू log k प्लस log t होता है, तो यहां पर log k मेरा इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है, ऐसा ग्राफ बनेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। ठीक है, v और 1 अपॉन रूट टी में ग्राफ बनाना है, कैसा बनेगा, पैराबोला, कौन सा वाला, पैराबोलिक, y इक्वल्स x, पॉजिटिव पैराबोला, y इज इक्वल टू x, पॉजिटिव वाला। अब वापस ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, v को y मान लो और रूट टी को x मान लो, ठीक है, तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर, तो हमको पता है v इंटू टी क्या है, कॉन्स्टेंट, सॉरी v इंटू टी नहीं, हमको पता है v इज इक्वल टू क्या है, के टी, v का वैल्यू y, k, t का वैल्यू x स्क्वायर, तो y इक्वल टू x स्क्वायर वाला कर्व आएगा, ऐसा सा कर्व आएगा ना, ठीक है, v और 1 अपॉन t में कर्व कैसा आएगा, पीवी जैसा, पीवी जैसा, v को मान लो y, 1 अपॉन t को मान लो x, तो t का वैल्यू आ गया 1 अपॉन x, ठीक है, तो v इज इक्वल टू के टी, तो y इज इक्वल टू k अपॉन x, तो x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, तो ये ऐसा बनेगा, समझ गए, हाइपरबोला। vt और t में बताएं कैसा आएगा, बताएगा कोई vt और t में, देखो सर वो पैराबोला वाला ही आएगा, y equals x square जैसा। हाँ, हमारे को क्या करना है, सेम vt को y मानना है और t को x मानना है, तो यहाँ vt को y माना तो v का वैल्यू क्या आया, t by y, मतलब t by x, सॉरी v का वैल्यू आया y by t, y by t, t का मतलब x था, तो v equal to y by x, और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है v is equal to kt, v का वैल्यू y by x is equal to k into x, तो y equal to kx square, ये मेरा फंडा सही लगा तुम्हें ग्राफ बनाने का, ऐसे ग्राफ बना सकते हैं इजीली। हाँ सर। हाँ सर। चलिए। हाँ सर। ऐसे ग्राफ हम लोग, अब इसमें अगेन वही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे, पहले लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखी थी, अब भी नहीं लिखे, हमारे को क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है, उसमें ग्राफ दिया है ना, हमें ग्राफ हमें दिया है, तो ग्राफ हम बना लेते हैं, ग्राफ किसके बीच में दिया होगा, v और t के बीच में ग्राफ दिया होगा, v और t के बीच में ग्राफ ऐसे दिए, मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है बट थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कॉन्स्टेंट है, अलग अलग प्रेशर पर मैंने तीन ग्राफ बनाए है ना,
इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ वरना एक्सप्लेन करने में बाद में दिक्कत आएगा। मान लीजिए ये ग्राफ P3 प्रेशर पर है, ये P2 पर, ये P1 पर है ना। चार ऑप्शन दिए हैं A B C D, वही है सेम ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ सही लिख रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन नन। बताए ए वाला, ए वाला। चलिए बाकी सभी लोगों को लगता है कि ए आएगा। हाँ बोलो सर। यस सर ए आएगा। चेक कर लेते हैं अगेन, एक सेकंड पेपर ऐड कर लेता हूं मैं थोड़े। आप देखो हमें क्या दिया है, कहां गया यार ये, क्या हो गया। हमें पता है PV is equal to nRT होता है ना। चलिए मोल्स तो कांस्टेंट है ही मेरे, मतलब मैं क्या बोल दूंगा, V by T बोलेंगे हाँ, V by T is inversely proportional to pressure, ऐसा बोल देंगे। मोल्स तो मेरे कांस्टेंट है ही, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक चीज को और कांस्टेंट कर लेता हूँ। मैं ना, मेरा मन है मैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करता हूँ। टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर लिया, तो टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर वॉल्यूम लिख लो। ये एक ही रहा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी वन, यहाँ पर वी टू, यहाँ पर वी थ्री, ठीक है। अब मुझे पता है क्या, वी वन से बड़ा है वी टू, वी टू से बड़ा है वी थ्री, है ना। टेम्परेचर मैंने अगेन, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था एक लाइन खींच के, तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। तो V3 सबसे बड़ा है तो P3 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा P2, सबसे बड़ा P1, समझ गए। तो A आंसर आ गया। चलिए अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट लॉ। चार्ल्स पढ़ लिया, बॉयल्स पढ़ लिया, अब कौन सा बच्चा इसके बाद, गेलुसैक लॉ। गेलुसैक लॉ, गेलुसैक ने क्या बोला, एक ने टेम्परेचर को कांस्टेंट करा, एक ने प्रेशर को, तो गेलुसैक बोले मैं वॉल्यूम को कर देता हूं, तो वॉल्यूम क्या आएगा। तो हम बोलते हैं फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर इज इक्वल, नहीं ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इन टू टी, या फिर पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने क्या करा, मोल्स कॉन्स्टेंट रखने हैं और एक वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखना है, ये दोनों चीजें हमने रखनी है। अब अगेन हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो अब तो सीखे जाने चाहिए, इतने सारे ग्राफ मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं आइडियल गैसेस से, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। कि पांच ही बहुत है, पांच ना चार बनाए ना, चार ही बहुत है, क्योंकि पहले हम लोग काफी बना चुके हैं। पी और टी में बताओ, टी किस में है, टी केल्विन में है। यहां पर बनाओ, सॉरी मैं उल्टा तो नहीं बना रहा ग्राफ, सही है। प्रेशर और टी डिग्री सेल्सियस में बनाओ, कोई स्मॉल टी लिख देता हूँ। फिर बनाओ प्रेशर और रूट टी में, फिर बनाओ पी और वन अपॉन टी में, ये ग्राफ बनाने है ना, बनाओ।
हुआ क्या? हाँ सर। सर उसके 30 डिग्री के नीचे क्या है सर? कौन सा ग्राफ है? चलिए पहला वाला ग्राफ अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप आएगा, ठीक है? बोलो। यस सर। दूसरे वाले ग्राफ में अगेन वही कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस दिया, तो टेम्परेचर को लिख दो टी प्लस 273 केल्विन, तो पी इज इक्वल टू के टी प्लस के इंटू 273, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। नेक्स्ट में P और रूट टी में ग्राफ दिया है, तो P को तो Y मान लो, रूट टी को X मान लो, तो T क्या हो गया? X स्क्वायर, तो Y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ आएगा। ऐसा P और 1 अपॉन टी में ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोलिक, हाइपरबोला। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ने क्या बोला याद है किसी को? प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स में कुछ तो रिलेशन था, तो हम बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? गैस का खुद का प्रेशर है ना, ऐसा नहीं लिखते ना, ऐसा लिखते हैं, मैं पहले उल्टा लिख दिया, ऐसा लिखते हैं टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट। ये एग्जैक्ट हमारा उसका स्टेटमेंट था डाल्टन का, कि जो गैस का मिक्सर, एक गैसियस मिक्सर, एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस भरी है, तो उनमें जो टोटल प्रेशर क्या होगा, जितनी भी प्रेशर, जितनी भी गैसेस होगी ना, उन सबके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस? इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, गैस खुद का कितना प्रेशर लगाती है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस विच प्रेजेंट अलोन इन अ वेसल एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।
इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? विच नहीं लिखेंगे यार, विच विच क्यों लिखा है? ऐसे लिखना वैन। हाँ अब बताओ इसका मतलब क्या है इस लाइन का? पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस व्हेन प्रेजेंट अलोन इन अ वेसल एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें तीन गैसेस फिल है ए बी सी, टोटल प्रेशर आ रहा है मान लो 10 atm। तो हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक बार इसी कंटेनर में, मतलब वॉल्यूम सेम होगा और इसी टेम्परेचर पर इस गैस का प्रेशर देखो, फिर इसी कंटेनर में इसी वॉल्यूम पर इसी टेम्परेचर पर गैस बी का प्रेशर देखो, ऐसे ही गैस सी का प्रेशर देखो, तो वो क्या होगा? इनका इंडिविजुअल प्रेशर खुद का, और जो इंडिविजुअल प्रेशर है वही क्या होता है? वो पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझे? यस सर। तो देखो अब हम लोग यहाँ से जो हमारा रिलेशन आता है उसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं ना। वैसे रिलेशन तुम्हें याद होगा ही, बट मैं एक बार प्रूव करके बताता हूँ। मान लीजिए ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में चार गैसेस फिल है, गैस ए गैस बी गैस सी गैस डी, है ना, ये गैसेस फिल्ड है। उस कंटेनर का वॉल्यूम मान लो वी है, कंटेनर का टेम्परेचर मान लो टी है ना। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? गैस ए का प्रेशर प्लस गैस बी का प्रेशर प्लस गैस सी का प्रेशर प्लस गैस डी का प्रेशर। यही बोला डॉल्टन ने कि टोटल प्रेशर मतलब सबका सम कर दो, बोलो। yes, और हम yes, बोल sir. सकते हैं क्या टोटल मोल्स गैस के कितने होंगे? सारे गैस के मोल्स ऐड कर दो, ऐसा भी बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। चलिए तो मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं इस मिक्सचर पर, तो मैं क्या लगाऊंगा? पी टोटल इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन टोटल इनटू आर इनटू टी, ये लगा सकता हूं। यस सर। बोलो। अगर मान लो इस पूरे कंटेनर में सिर्फ एक ही गैस फिल होता ए वाला, पूरे कंटेनर में सिर्फ एक ही गैस फिल होता ए वाला, तो उसका प्रेशर होता पी ए, जो उसका पार्शियल प्रेशर है। इसी वॉल्यूम के कंटेनर में फिल है और उस टाइम पर उसी के मोल होते सिर्फ एन ए आर टी, ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? यस सर। ऐसे ही मैं सेम दूसरे लोगों के लिए भी लिख सकता हूं कि भाई B के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसे ही C के लिए PC into V equal to NCRT, ऐसे ही D के लिए PD into V is equal to NDRT, है ना, सभी के लिए लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं ना किसी एक को मैं प्रूव करके बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन टू में डिवाइड करता हूँ इक्वेशन वन को, तो क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी। हाँ यस सर। एन ए अपॉन एन टी क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए यही हुआ ना। तो ये रिलेशन तुमने पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, पढ़ा है ऐसा? हाँ सर। ये तो पढ़ा ही होगा ना, उसको हमने प्रूव कर दिया, ऐसा हुआ था। प्रूव वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, प्रूव कोई नहीं पूछता, और तुमसे तो कोई क्यों ही पूछेगा, तुम बोर्ड का पेपर तो दे नहीं रहे। तो ये आता है सेम, ऐसा ही मैं बाकी लोगों के लिए भी लिख सकता हूं। यस सर। बाकी लोगों के लिए सेम ऐसा ही लिख दो क्या? PB is equal to mole fraction of B into PT, ऐसे ही PC equal to mole fraction of C into PT, ऐसे ही PD equal to mole fraction of D into PT। और इसी चीज को तुम याद रखते हो एज ए डॉल्टन लॉ कि भाई जो टोटल जो रहता है हमारा, वो किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है मिक्सर में, वो टोटल प्रेशर होता है इंटू उसका मोल फ्रैक्शन होता है। बट एक्चुअल डॉल्टन लॉ का स्टेटमेंट क्या है? टोटल प्रेशर गैसेस मिक्सचर में सभी गैसों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। समझ गए? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये तो ठीक है, फॉर्मूला वगैरह तुम्हें पहले से पता है, अब क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है? What
is the increase in volume when temperature of 60 ml gas increases from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius. बहुत ही देखो पहले क्वेश्चन करो फिर मैं बताता हूँ मैं क्या करना है ना. एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है ना सर, इसमें कुछ प्रेशर कांस्टेंट है क्या पहले वाले में? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या करना होता है कि जब हमें कुछ चीजें दे नहीं रखी हो, बस सीधा सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना होगा अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ से यहाँ गया है. अब क्वेश्चन को करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्या हम जो बची हुई चीजें उनको क्या मान ले, कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा. अब उसने बोला है क्वेश्चन ये है, चार ऑप्शन दे दिया, आंसर लेके आओ. तो आंसर लाने का सिर्फ यही तरीका है कि भाई जो बची हुई चीजें उनको कांस्टेंट मान लो. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का, तो हमें कांस्टेंट मान के ही करना पड़ेगा. ठीक है, फिर 40 ml है. यस, चलिए तो देखो मैं बताता हूँ. वैसे तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो अगर कुछ नहीं दिया तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा. हम मानना पड़ेंगे क्या, लेट प्रेशर और मोल, ये क्या है, कांस्टेंट है. नहीं दिया तो भी यही करेंगे. प्रेशर और मोल कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू. वी वन कितना था, 600 ml. अब दोनों साइड ml ml में रख रहे हो तो ठीक है, इधर वी टू भी ml में आएगा. टेम्परेचर में ऐसा नहीं चलेगा कभी कि दोनों साइड डिग्री डिग्री में रखो तो चलेगा, नहीं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए. तो एक तरफ तो 300, एक तरफ 320, तो वॉल्यूम V2 कितना आएगा, 640 ml. मतलब जो डेल्टा भी आया है वो कितना आया है, 40 ml. समझ गए? बोलो. यस सर. चलिए एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट लिखवाता हूँ. एक्चुअल में क्या होता है, वो बच्चों को पता तो होता है बट बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, वो क्वेश्चन में बहुत सोचने लग जाते हैं. तो वो मैं तुम्हें ही बता देता हूँ डायरेक्ट टाइप ऑफ वेसल के नाम से, है ना, कि वेसल कितने टाइप का होता है. उससे हमें क्या होगा, क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी. ये चीज कहीं तुमने पढ़ी नहीं होगी शायद, क्या पता पढ़ी भी हो तो. टाइप्स ऑफ वेसल के बारे में बात करते हैं ना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. टाइप्स ऑफ वेसल, ठीक है, वेसल का टाइप कितना है हमारे पास. तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्या, फर्स्ट इज ओपन वेसल. मतलब वेसल क्या है, ओपन है, मतलब कुछ इस तरह का वेसल है. कैसा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा ना, ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर और एडियाबेटिक, ऐसा वैसा कुछ पढ़ा होगा. ऐसा है हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड, हाँ जो भी है वो, ऐसा ओपन वेसल है. अब ओपन वेसल में कोई गैस फिल है, तुम्हारा तुम्हारा सारा कॉन्सेंट्रेशन उसी गैस पर होना चाहिए जो इस वेसल में है. इस वेसल में है ना तीन बाउंड्री तो ऐसी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, फिजिकल बाउंड्री, और एक बाउंड्री ऐसी है जो इमेजनरी है. पढ़ा होगा इतना थर्मोडायनेमिक्स में, एक इमेजनरी बाउंड्री हम लोग मान सकते हैं इसके टॉप पर. हाँ सर. तो इस वेसल के लिए हम लोग बोलेंगे गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है, देखो कोई भी ओपन वेसल में गैस फिल होती है तो उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है. क्यों, क्योंकि गैस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट है. हाँ सर. अब वॉल्यूम के बारे में बताओ, इस कंटेनर में जो गैस फिल्ड है उसका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट ही होगा. कांस्टेंट है गैस का वॉल्यूम भी, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है. कंटेनर ओपन वेसल है और ये रिजिड है ना, पहली चीज और मैं बता दूं, रिजिड है, एक्सपेंड नहीं होगा.
तो जो गैस जो कंटेनर में फिल्ड है वो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, जो कंटेनर में फिल्ड है बस वही। ऐसा नहीं कि गैस उड़कर जो यहाँ आ गई उसके बारे में बात करें, नहीं, गैस की बाउंड्री कंटेनर के बाउंड्री में रहनी चाहिए गैस, तो उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। सेकेंड हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड नॉन रिजिड वेसल। वेसल है क्लोज्ड है बट नॉन रिजिड है, मतलब बलून का एग्जांपल ले सकते हो, बलून क्लोज होते बट रिजिड नहीं होते, है ना? बलून का एग्जांपल ले लो कि बलून में ऐसा होता है। अब हमारी गैस अंदर फिल है, अब इसके अंदर बताओ एक चीज तो पक्का पता पड़ गया, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है बट रिजिड नहीं है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर। प्रेशर के बारे में बताओ क्या सोचते हो, कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट है। अच्छा कितने लोग बोलते हैं कांस्टेंट? नहीं सर, नहीं कितने लोग कोई कांस्टेंट नहीं है सर। अच्छा मैंने बोल दिया कांस्टेंट है, ये सही है, कांस्टेंट है। अभी कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों है? बताओ कोई एक्सप्लेन कर सकता है कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट तो है बट क्यों है, इसको एक्सप्लेन कर सकता है कोई? इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगा। अरे भैया जैसे मान लो तुम्हारे पास बलून है, तुमने प्रेशर मार के उसमें बलून को फिल किया, तो प्रेशर मारा तुमने मतलब प्रेशर तुमने बढ़ाया, बट उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट रखने के लिए बलून क्या करता है? एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है, वो एक्सपेंड हो जाता है। अगर उसमें से बलून में से तुमने हवा निकाल दी तो तुमने प्रेशर कम किया, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है बलून को, तो वो क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर क्लोज वेसल हो, नॉन रिजिड हो, बलून टाइप हो, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। समझ आ गई चीज? यस सर। चलिए अब रिजिड वेसल है, तो रिजिड वेसल का मतलब एक चीज तो फिक्स है, वेसल रिजिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब रिजिड वेसल है एकदम, तुम उसमें गैस भरे जा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा मतलब प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं है, नहीं? अगर रिजिड वेसल में से गैस निकाल दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, गैस भर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो ये तीनों वेसल में प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन क्या होती है मैंने समझा दी, जो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर contain air at 1 atm pressure, है ना? Contain air at 1 atm pressure. The container is heated from 300 Kelvin to T Kelvin. The amount of gas expelled from the container is 1.45 liter. ठीक है ना? At 17 degree Celsius and 1 atm. Find T. मेरा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे?
सर 450 है? नहीं किया गया सर 280 है क्या? 280 नहीं, देखो मैं भी यही सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, मैंने क्वेश्चन लिख तो दिया है बट मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, देखो देखते हैं कैसे करना है ना, क्वेश्चन है बस मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो ओपन कंटेनर हमें दिया है 3 लीटर का है ना, ठीक है 180 उस पे प्रेशर लग रहा था, कंटेनर को मैंने हीट किया था थ्री, पहले देखो पहले सिचुएशन क्या थी ओपन कंटेनर की, इनिशियल सिचुएशन बता देता हूँ ओपन कंटेनर की, इनिशियली वो ऐसा था क्या कि उसमें 3 लीटर वॉल्यूम था गैस का, 180 प्रेशर लग रहा था 300 केल्विन पर था वो है ना, फिर मैंने उसको हीट किया, ठीक है हीट किया कहां पर, टी केल्विन तक, टी केल्विन तक हीट किया, प्रेशर अभी भी 180 में लग रहा होगा, इसमें से कुछ गैस बाहर निकल गई कुछ गैस बची, फिर मैंने इसको वापस किस टेम्परेचर पर लेके आया मैं 17 डिग्री मतलब 290 केल्विन पर लेके आया, तो अब इसमें गैस कितनी बची है अंदर, एक्सपेल्ड हो गई 1.45 लीटर तो बची कितनी अंदर, 1.55 लीटर गैस बची है, ठीक है ओके, और हमारा प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर अभी भी 180 लग रहा है, तो बोल रहा है कि टी केल्विन कितना होगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे बताओ, सर इसमें टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स अभी कांस्टेंट लेंगे क्योंकि ओपन वेसल है, टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिया दोनों तरफ लॉग लेके मोल्स, मोल्स कांस्टेंट क्यों लिया है, मोल्स तो गैस तो निकल गई ना, टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिया है एन इनटू ओपन ओपन, हां फिर दोनों तरफ लॉग लिया और डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा टी बाय टी प्लस डेल्टा एन बाय एन इक्वल जीरो होगा, अच्छा फिर डेल्टा टी मालूम है टी माइनस 300 अपॉन टेम्परेचर 300 इक्वल्स डेल्टा एन जो दिया है अपन निकालेंगे क्योंकि वो 1.45 लीटर 17 डिग्री सेल्सियस और 180 से डेल्टा एन आ जाएगा, अच्छा फिर आंसर क्या आया उससे, सर पूरा सॉल्व करके टेम्परेचर 450 आ रहा है केल्विन, देखो आंसर तो मेरे यहाँ पर 600 लिखा है क्योंकि टेम्परेचर, अब देखते हैं देखो क्या होता है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ देखते हैं क्या होता है, पहली वाली कंडीशन में देखो अगर हम लोग गैस के ऊपर स्टडी करें सिर्फ है ना, जो गैस है हमारी मान लो यार अभी इन्होंने मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है 17 डिग्री सेल्सियस का क्या करना है, क्योंकि इसने बोला है कि एक्सपेल्ड फ्रॉम कंटेनर 1.45 लीटर एट 17 डिग्री है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो सर नंबर ऑफ मोल्स के लिए दिया कि कितने मोल्स निकल गए,
ठीक है, तो चलो वहां से निकाल के देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दिया है ना, तो यहाँ से कितने मोल्स निकल गए उसके लिए बात करते हैं। प्रेशर 1 एटीएम लिया, वॉल्यूम गैस का कितना बचा है 1.55 लीटर है ना, इतना बचा है ठीक है। मोल्स कितने है पता नहीं, ये 0.0821 और यहाँ से टेम्परेचर कितना आएगा 290 केल्विन, तो यहाँ से गैस के मोल्स कितने आ गए बचे हैं जो गैस के मोल्स, सॉल्व किया इसको किसी ने? सर 1.45 लेंगे ना, 1.45 क्या जो एक्सपेल्ड एन जो निकाल रहे अपन, वो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए वो ले रहे हैं ना? हाँ, तो जो बचे हैं वो 1.55 है ना जो कंटेनर में बचा है, मेरी स्टडी सिर्फ कंटेनर के ऊपर ही हो रही है सारी। तो अभी आपने उसमें टेम्परेचर 290 क्यों लिया, हमें मालूम नहीं है ना कि जो मोल्स बच गए उसका टेम्परेचर क्या होगा बाद में। लिखा तो है गैस इज, तो ऑब्वियसली पूरा हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 17 डिग्री है ना, तो वही होगा टेम्परेचर, और क्या बोलेंगे बताओ। मुझे लगता है वो लोग ने 17 डिग्री सेल्सियस मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर ऐसा दिया नहीं कि सिस्टम है, वो बस ऐसे ही सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दे दिया है कि कितने मोल्स निकले, बस वो कैलकुलेट करने के लिए। हाँ तो कितने मोल्स निकले, तो बात तो वही है ना, कितने मोल्स बचे, जितने निकलेंगे टोटल में से उतने ही तो बचेंगे। हाँ तो यहाँ से मेरा आएगा ये अप्रोक्स 0.065 मोल्स, ठीक है चल ऐसा मैंने मान लिया। अब पहली दोनों चीजों पर मैं बात करता हूँ, 3 लीटर 1 एटीएम 300 केल्विन, बाद में क्या हुआ कि हमारा कितना मोल्स बचा वो तो मुझे पता चल गया है ना, वॉल्यूम वगैरह उसको छोड़ते हैं। तो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देखें, तो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ठीक है। यहां से हम लोग N1 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, N1 का वैल्यू निकाल सकते हैं P इंटू V अपॉन RT। तो देखो हम लोग N1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा P इंटू V प्रेशर 1 एटीएम इंटू V3 अपॉन R.0821 इंटू टेम्परेचर 300। यहां से क्या आता है, 36.1 अप्रोक्स आ रहा है, 0.12, ठीक है। तो मोल्स आ गए 0.12 इंटू टेम्परेचर T कितना आ रहा है 300 केल्विन, एंड 2.065 इंटू टेम्परेचर T2 कितना आएगा, ये तो फिर मेरे को लग रहा है वही आ जाएगा 0.12 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 0.065, तो टेम्परेचर मेरा आ रहा है अप्रॉक्स 550 केल्विन के आसपास आ रहा है, यही आ रहा है क्या सर? 0.65 इंटू T2, तो T2 टू टेम्परेचर 17 डिग्री पे 0.65 मोल्स बचे हुए है ना। हाँ तो उसने बोला ना, अरे तुम समझे नहीं, क्वेश्चन ने बोला है कि हमने इसको हीट किया तो हमारे कुछ वॉल्यूम कुछ मोल्स बच गए। अब कितने मोल्स बचे हैं, कितना वॉल्यूम बचा है लीटर का, वो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि 290 केल्विन पर 1.55 लीटर बचा है। तो जितना मोल्स बचेगा उससे पहले भी तो उतना ही होगा ना, टेम्परेचर कम करने से तो गैस बाहर नहीं जाएगी, गैस बाहर तो टेम्परेचर बढ़ाने से ही जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि टेम्परेचर कम किया है तो बाहर की गैस वो अट्रैक्ट करके अंदर आ जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं सर, हम लोग ने 300 से T केल्विन तक हम लोग ने टेम्परेचर हीट किया ना, तो फिर 17 डिग्री पे हम लोग को ये दिखा कि 1.45 गैस एक्सपेल हो चुकी है 17 डिग्री पे। हाँ तो हम लोग तो हमें तो टी डिग्री, हम लोग को जो टी निकालना है ना, तो जो T2 होना चाहिए वो तो टी होना चाहिए, और उसके लिए वहां पे मोल्स अलग होना चाहिए ना। 0.65 तो 17 डिग्री पे निकला है ना, क्यों अलग होना चाहिए? 0.065 जो मोल्स है वो तो 17 डिग्री पे, जब हम लोग 17 डिग्री पे कंटेनर से कंटेनर में बचे हुए मोल्स है ना, तो हमें नहीं पता है कि टी डिग्री टी केल्विन जो है वो मतलब टी केल्विन जो है 17 से कम है या ज्यादा है, हमें नहीं मालूम है ना। अरे भाई गैस बाहर तो तभी जाएगी जब हीट करोगे, लिखा है कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू टी केल्विन,
अगर इसको तुम नीचे से हीट दोगे तभी प्रेशर बढ़ेगा और तभी गैस बाहर जाएगी, अगर तुम इसको ठंडा करोगे तो गैस बाहर नहीं जाने वाली है। हीट करोगे, टेम्परेचर रेज करोगे तभी प्रेशर बढ़ेगा, तभी गैस बाहर जाएगी। क्या बोल रहा है, समझ रहा है? ऐसा नहीं है, टेम्परेचर कम करने से गैस बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि तुम्हें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है तेरा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाए तभी गैस बाहर जाएगी। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना लीटर बचा हुआ हमें दे दिया, तो उस डेटा का यूज हमने मोल्स निकालने में कर लिया। फिर मोल्स हमें पता पड़ गया तो N1T1 = N2T2 हमने कर दिया है, समझ गए? हाँ ठीक है। तो चलिए, होमवर्क तो मैंने दे ही दिया था, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, है ना? चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।